कमजोर रुपया, बढ़ता हुआ कच्चा तेल, दुनिया भर के बाजारों में मिला जुला रुझान और आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आज बाजार को रखेंगे वोलेटाइल और एक्शन में। तो क्या हो आपका ट्रेड, इस पर होगा हमारा खास फोकस। शेयर बाजार लाइन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। और शुरुआत करते हैं हर रोज की तरह आज के अहम संकेतों के साथ। संकेत विदेशी बाजारों से ठीक हैं, क्योंकि अमेरिका के बाजार मजबूती के साथ हुए हैं बंद। सेंसेक्स निफ्टी 11,750 के करीब अभी भी कर रहा है ट्रेड। हालांकि जो एशियाई बाजारों की शुरुआत है या फिर अभी का जो ट्रेंड है वो मिला जुला है। कच्चा तेल, यहाँ पर तेजी देखी गई है और जो ब्रेंट का भाव है वो $77 के ऊपर पहुंच चुका है। तो ये एक संकेत है जो थोड़ा सा सेंटिमेंट बिगाड़ सकता है। लेकिन रुपया ये पिछले 3-4 सत्रों से लगातार कमजोर हो रहा है, कल फिर से रिकॉर्ड निचले स्तरों पर बंद हुआ है ₹70.60 के करीब। लेकिन आज है अगस्त सीरीज की एक्सपायरी और पोल जी बिजनेस ने जो किया है उसमें ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 11,750 से 11,800 के बीच एक्सपायरी होने की संभावना है। और अदानी समूह के शेयर्स, ADAG समूह के शेयर्स, ये आज फोकस में रहने वाले हैं। तो ये कुछ अहम ट्रिगर्स आज की ओपनिंग से पहले। लेकिन क्योंकि आज एक्सपायरी है तो एक वॉलेटाइल सेशन तो शायद रहे अनिल जी, लेकिन ओवरऑल आज की ओपनिंग से पहले जो क्यूज मिल रहे हैं हर पैरामीटर पर वो कैसे हैं? देखिए, ग्लोबल संकेतों की बात करें तो वो तो अच्छे नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अमेरिका थोड़ा ऊपर बंद हुआ है, लेकिन बहुत ऐसी बड़ी तेजी अमेरिका में नहीं हुई है। नैस्डेक ज्यादा अच्छा बंद हुआ है, 1% के आसपास की तेजी वहां पर होती हुई। खैर, उसकी वजह यह है कि H-1B वीजा को लेकर थोड़े से वो नियमों में बदलाव कर रहे हैं, उसकी वजह से वहां की IT कंपनियों को फायदा है, तो वो भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट्स के संकेत मेरे लिए खराब है, और खासतौर से तब जबकि कच्चा तेल $78 की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है, 3 हफ्तों की ऊंचाइयों पर है। करेंसी लाइफ टाइम लो पर ट्रेड कर रही है, ₹70.59 पर जो हम जाकर बंद हुए हैं, वो अच्छा संकेत नहीं है। एशिया में भी आप देखिए, हांगकांग के बाजार ढीले हो गए, 100 पॉइंट नीचे हैं। तो मुझे लगता है कि आज ग्लोबल संकेतों को न्यूट्रल से नेगेटिव की तरफ मानकर चलना चाहिए, खराब ही समझना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी संकेत FIs के भी नेगेटिव साइड पर हैं आज। अच्छा। हालांकि ठीक है, एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले आप संकेतों को कम वजन देते हैं, लेकिन फिर भी है तो नेगेटिव। घरेलू संकेत इन्वेस्टर्स के पॉजिटिव साइड पर हैं। FNO संकेत न्यूट्रल हुए और नेगेटिव से न्यूट्रल हुए। सेंटिमेंट मजबूत है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऐसे में जो भी संकेत अभी दिख रहे हैं इसको देखते हुए, एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए कैसी शुरुआत हो सकती है, स्तर कौन से अहम रहेंगे? देखिए, जब संकेतों में आपको सारे शब्द देखने को मिल रहे हो, स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, तो उससे समझ जाना चाहिए वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन होगा। हर तरह की चीजें, किसी न किसी वक्त कोई न कोई संकेत आपके लिए दिन भर काम करता हुआ नजर आएगा। तो पहली लाइन ही वही कि बाजारों में दोनों तरफ ट्रेड देखने को मिलेगा, बाजार की चाल के विपरीत आपको ट्रेड करना होगा छोटे मुनाफे के लिए। ये संकेत साफ है, कल भी यही रणनीति काम आती हुई दिखी, परसों भी यही रणनीति काम आती हुई दिखी। फर्क सिर्फ इतना है, रेंज थोड़ी सी आज बढ़ सकती है कल के मुकाबले में। कल हमने 60-70 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन निकाल दिया, हो सकता है आज थोड़ी सी रेंज बढ़े, और हो सकता है आज एक से ज्यादा मौके आपको ऊपर नीचे होने के मिले। अच्छा। इतना जरूर हो सकता है वो एक्सपायरी की वजह से, और उसकी वजह यह कि देखिए, जहां एक और एक्सपायरी का सपोर्ट है, बाजार बहुत ज्यादा टूटे नहीं, वहीं दूसरी ओर कच्चा तेल और रुपया ये बाजार को ऊपर जाने नहीं देंगे ज्यादा, ये लिमिट कर देंगे। और कल भी यही वजह कि आप लाइफ टाइम हाई बना नहीं पाए, उसके आसपास पहुंचते ही फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। कल और आज की रणनीति में एक ही बदलाव है, वो ये कि आज सेल ऑन राइज, ऊपर में थोड़ी सी बिकवाली की रणनीति बनाए तो कोई गलत नहीं होगा। अच्छा। तो थोड़ी बिकवाली की रणनीति बनाई जा सकती, कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छी बात है एक्सपायरी के दिन, वो ये कि पुट कॉल रेशियो कल कम होकर आया, लगभग 20 बेसिस पॉइंट एक ही दिन में कम हो गया, 1.79, और एक्सपायरी के दिन 1.79 को मैं ओवरबॉट नहीं मानता, उस लिहाज से ये पुट कॉल रेशियो जो कम हुआ है, और एक ही दिन के हल्की कमजोरी में ही कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन कम हो गई है, तो ये एक अच्छा संकेत है। तो ये ओवरऑल संकेत ये है आज के लिए। अब आइए, निफ्टी आज 11,700 आपके लिए निर्णायक लेवल है, जिससे 10 पॉइंट नीचे आप बंद हुए हैं। कल एग्जैक्टली बाजार ने उस ट्रेडिंग रेंज को रेस्पेक्ट किया जो हमने सुबह दी थी, लगभग उसी रेंज में रहे हैं बाजार, और आज 11,700 के ऊपर आप टिके रहेंगे तो थोड़े बेहतर दिखेंगे, 11,700 के नीचे रहेंगे तो थोड़ा नीचे जाने का डर हमेशा बना रहेगा। छोटी ट्रेडिंग रेंज भी थोड़ी बड़ी बनकर आ रही है, 11,625-11,750, ये है निफ्टी की छोटी रेंज, और वजह साफ है। देखिए, एक्सपायरी का दिन है, थोड़ी आपको लिबर्टी लेनी पड़ेगी रेंज के लिए, आज से गलत नहीं पड़ने चाहिए। बड़ी रेंज 25 पॉइंट 50 पॉइंट और जोड़ लें, 11,600 और 11,800, ये निफ्टी की बड़ी रेंज हो सकती है।
बैंक निफ्टी आई है छोटी रेंज में, कल और आज में कोई बदलाव नहीं, 28125 28375 ये छोटी रेंज है। कल भी बाजार ने इस रेंज को रेस्पेक्ट किया, एग्जैक्टली इसी रेंज में रहा है और आज भी रहना चाहिए। और बड़ी रेंज कल वाली जो है वही आज वाली भी है एक्सपायरी के दिन, दोनों तरफ 125 पॉइंट जोड़ दीजिए, 28125 के नीचे 28000 मजबूत सपोर्ट है, 28375 के 125 पॉइंट ऊपर 28500 ये है आपके लिए बड़ी रेंज। इंट्राडे में 11600 11625 आपके लिए बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, शायद आसानी से न टूटे या टूटे ही नहीं वो कह सकते हैं आप। वहीं बैंक निफ्टी पर 28125 28150 ये इंट्राडे के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। इंट्राडे में कहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी, 11750 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, 11750 11800 के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और बैंक निफ्टी पर 28325 28375 वो रेंज होगी जहां प्रॉफिट बुकिंग भी होगी और हो सकता है शॉर्ट भी बने तो बड़ी बात नहीं। क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस में कोई बदलाव नहीं, 11575 वही है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जरूर मैंने क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर किया है 28200, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत सेफ इन्वेस्टर हैं तो 28000 का ही रखें, क्योंकि आज एक्सपायरी के दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रिस्क कम रखने के लिहाज से 28200 बैंक निफ्टी का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस। तो दोनों तरफ के मौके मिल सकते हैं, छोटे छोटे मौके दोनों ही इंडेक्स पर, तो ये जी। और वो मौके अगर गैप से नीचे खुल जाए तो निफ्टी खरीदना चाहिए, जितना 11625 के नजदीक खरीदेंगे उतना आप सेफ रहेंगे, या तो 11625 का स्टॉप लॉस रखें और 11625 के नजदीक मौका मिले तो स्टॉप लॉस क्लियर कट है 11600 का। 11750 11775 11800 ये तीन लेवल हैं आपके लिए निफ्टी पर ऊपर की तरफ। 11750 के ऊपर शॉर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पक्का करना चाहिए, स्टॉप लॉस बहुत साफ है 11800, इसके ऊपर जाते हुए मुश्किल लग रहा है। 11700 पहला टारगेट होगा, उसके बाद देखेंगे क्या और नीचे जा सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि पहले आप ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, वहां से हम संकेत लेंगे। क्योंकि देखिए अभी भी मैं इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि क्या हांगकांग और रुपया 9 बजे क्या होगा, तो इसलिए 9:08 पर ज्यादा सही सटीक खुलते ही क्या ट्रेड होना चाहिए वो हो जाएगा। फिलहाल एक ब्रॉड आइडिया है, बैंक निफ्टी 28150 के नजदीक खरीदना चाहिए, 28000 आपका स्टॉप लॉस होगा, 28250 28325 28375 तीन टारगेट बेहद साफ क्रिस्टल क्लियर है। बैंक निफ्टी के लेवल में मुझे कहीं कोई 1% भी संदेह नहीं, इनफैक्ट निफ्टी के लेवल्स में भी संदेह नहीं है, लेवल्स बहुत परफेक्ट निकल कर आ रहे हैं, ये लगातार तीसरा दिन है जब लेवल्स मेरे सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर है, साफ है, कहीं कोई शक या कॉन्फिडेंस कम करने वाली गुंजाइश नहीं है। शॉर्ट करने के लिए बैंक निफ्टी की रेंज 28325 28375 बनती है, 28500 स्टॉप लॉस होगा, 28250 28150 ये आपके टारगेट नीचे के, पुट कॉल रेशियो घटकर आए हैं तो ये सारे संकेत आपके लिए ठीक है। एफआईएस डीआईएस के संकेत आपने बताया, एफआईएस के नेगेटिव हैं, डीआईएस के पॉजिटिव, क्यों? 1400 करोड़ की बिकवाली है कैश में एफआईएस की तरफ से और 1000 करोड़ की बिकवाली है इंडेक्स में, तो स्टॉक्स भी बेचे इंडेक्स भी बेचे, सामने खरीदे हैं 723 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स थोड़े कम आधे, तो उस लिहाज से फ्यूचर्स के मुकाबले में कैश में डबल बिकवाली और सामने इंडेक्स बेचना अच्छा नहीं है, इसलिए नेगेटिव। 1114 करोड़ की खरीदारी घरेलू फंड की अच्छी है इसलिए पॉजिटिव। ऑप्शंस के डेटा बहुत ज्यादा काम के नहीं है क्योंकि एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले इन डेटा में बहुत बदलाव होता है, तो इसलिए इसे छोड़ दें, भले ही बिकवाली के आंकड़े लेकिन डरने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका जहां फोकस होना चाहिए वो एफआईएस के कैश और इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े जो कि खराब है ठीक है। और अगर अब एफएनओ के आंकड़े देखें तो हालांकि एक्सपायरी डे है तो उससे ठीक पहले कौन से लेवल्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर जहां पर निफ्टी की बात करें, निफ्टी के लिए देखिए सिंपल 11700 अच्छा। ये आपके लिए निर्णायक लेवल है और निर्णायक लेवल क्यों है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है साफ, 2300000 शेयर पुट और 2300000 शेयर कॉल दोनों में बराबर खड़े हैं, ये मैं अगस्त सीरीज की बात कर रहा हूँ, इस सीरीज की जिसका आज आखिरी दिन है ठीक है, उसके साथ प्रीमियम है 15 पॉइंट की जिसे आज जीरो होना है राइट, 3:30 बजे प्रीमियम आपकी खत्म हो जाएगी, तो 11700 के ऊपर रहेंगे तो अच्छे है, 11700 के नीचे रहेंगे तो थोड़ा मूड खराब रहेगा। नीचे सपोर्ट का है 11600 जहां पर 28,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, उससे पहले थोड़ा छोटा सपोर्ट जो है दीपाली वो 11650 पर बन रहा है जहां 15,00,000 शेयर पुट में है, अच्छा। तो 11650 हो सकता है अगर हम कमजोर रहे इसी तरह से रुपया थोड़ा और कमजोर हो जाए तो 11650 11680 की रेंज में खुलेंगे कहीं और फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ऊपर की तरफ 11750 को पार करना मुश्किल है क्योंकि 22,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां बन गया जिसमें 11,00,000 शेयर कल ही जुड़े हैं, गलती से पार किया
तो भी आप 11800 के पार नहीं जा पाएंगे, ये डेटा में साफ दिख रहा है। तो छोटी रेंज लेनी है 11650 11750 और बड़ी सेफ रेंज लेनी है 11600 11800, ये है निफ्टी का। और हाँ, अच्छी बात है, पुट कॉल रेशियो एक ही दिन में अच्छा कम हो गया, 1.79 21 बेसिस पॉइंट कम होना, ये अरे रिलीफ वाला संकेत है, पोजीशन थोड़ी कम हुई। और अच्छा, उसमें भी एक अच्छी बात है कि तेजी वालों की पोजीशन ज्यादा कम हुई, नहीं तो मैं कल आपको कह ही रहा था कि शॉर्ट्स कम है। हाँ, तो अब थोड़े शॉर्ट्स दिख रहे हैं जो नीचे सपोर्ट देंगे, वो जरूरी है। और बैंक निफ्टी का डेटा देखें तो देखिए, बैंक निफ्टी में क्या है, ओपन इंटरेस्ट में 2 लाख शेयर करीबन जुड़े हैं, 1,90,000 शेयर, प्रीमियम 26 पॉइंट के, थोड़े शॉर्ट्स बने हैं बैंक निफ्टी में कल, ये इंटरेस्टिंग दिखा। जबकि बैंक निफ्टी आखिरी आधे घंटे में बढ़ गया, बाकी दिन भर तो कमजोरी था, तो लोगों ने सोचा नहीं था कि बैंक निफ्टी इतनी अच्छी क्लोजिंग दे देगा कंपैरेटिवली। और ये भी देखिए, 45 पॉइंट नीचे की जो आपको क्लोजिंग दिख रही है वो एडजस्टेड बेसिस पे दिख रही है, वैसे तो थोड़ा ऊपर ही बंद हुआ था। तो बैंक निफ्टी उतनी बुरी क्लोजिंग देखकर बंद नहीं हुआ जितनी लोगों को डर थी। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक निफ्टी में क्या एक्चुअली है ना, एक चीज साफ दिख रही है, 28300 से 28400 की रेंज में बार बार प्रॉफिट बुकिंग आती है और वो अब भी आएगी, जहां 17 लाख शेयर हैं 28300 और 28400 को मिलाकर। अच्छा, 28100 28200 की रेंज में आते ही खरीदारी आ जाती है, जहां 16 लाख शेयर हैं। दिक्कत क्या है, दिक्कत है 28200 से 28300 की रेंज, यहां पे पता ही नहीं चलता करना क्या है, तेजी करनी या मंदी करनी, ये समझ नहीं आ रहा कि 28200 28300 की जो रेंज है ना, इसमें कंफ्यूजन है। तो मेरा सिंपल फॉर्मूला है, फिर 28100 28200 की रेंज में मैं खरीदने का सोचूंगा, 28300 28400 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करने का या शॉर्ट करने का सोचूंगा, और उसके लिए लेवल परफेक्ट है 28125 28150 सपोर्ट है, ये 25 पॉइंट, 28325 28375 अटकने का लेवल है, ये 50 पॉइंट, बस इसको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में आपको सिंपल। इसीलिए आपने ऊपर की जो रेंज है वो 28375 के आसपास, एग्जैक्टली। और कल परसों भी आप देखिए 28388 का हाई बनाया, लगभग वहीं पे रुक रहा है, पहले का हाई 28377 था, वहीं रुक गया, वहीं अटक रहा है। ठीक है, तो ये रणनीति है निफ्टी बैंक निफ्टी पर, और इस रणनीति पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे 9:08 पर, जब रुपए की भी शुरुआत हो जाएगी और एशिया बाजारों का बेहतर हाल हर रोज की तरह हमारे सामने होगा। तो ये तो इंडेक्स की बात हुई, लेकिन अब बात करेंगे स्टॉक्स की, और कौन से ये स्टॉक्स है जिन पर आपको करना है फोकस, जान लेते हैं, रुक करते हैं स्टॉक ऑफ द डे का। पहले तो ये बताइए आज स्टॉक हैं कि स्टॉक्स हैं? स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स हैं, तो कौन कौन से? तीन स्टॉक्स हैं, तीन है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं? पहला तो है फ्यूचर्स का स्टॉक है CESC, कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी। खबर अच्छी है, अमेजोन इसमें एक छोटा हिस्सा खरीद सकती है, ये खबर आ रही है, क्योंकि कई नाम चल रहे हैं एक्चुअली। अब इस नाम में CESC का जो एक रिटेल कारोबार है स्पेंसर्स, उसका भी नाम शामिल हो गया। तो स्पेंसर्स के आने के बाद ये बात क्लियर कट है कि थोड़ा तो स्टॉक पर इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, दूसरा ये कि स्टॉक में ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी हरकत पिछले दिनों में आने लगी है, और आज एक्सपायरी का दिन है, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी फ्रेश खरीदारी हो सकती है। सावधानी एक ही है कि ये खबरें चल रही है, होगा नहीं होगा, किसके साथ होगा ये हमें पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग, फ्यूचर ग्रुप का भी नाम आता है और भी नाम आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अमेजन किसी के साथ तो खरीदेगा, अब वो कौन हो सकता है पता नहीं। सिंपल है, आपको 978 का स्टॉप लॉस रखना है, 1000 1020, ये दो टारगेट है, एम्बिशियस टारगेट जो आज के बाजार में आए नहीं आए पता नहीं, लेकिन एम्बिशियस टारगेट है 1035, बस ये सिंपल तीन टारगेट के लिए CESC में आपको करनी है खरीदारी। ठीक है, तो खरीदारी का व्यू है CESC में, 1000 का पहला टारगेट, 1020 का दूसरा, और 1035 का आपको रखना होगा तीसरा लक्ष्य। तो ये तो पहला स्टॉक हो गया, अब दूसरा शेयर बताइए। कैश मार्केट का स्टॉक है और वो है ग्रीस कॉटन। ग्रीस कॉटन के लिए भी एक एक्विजिशन की खबर आई है, ये स्टॉक मुझे बड़ा पसंद है एक्चुअली, फंडामेंटली कंपनी बहुत बढ़िया है, इसके नाम से पता नहीं चलता कि ये करती क्या है, ये इलेक्ट्रिक ये इंजिन बनाने का कारोबार करती है, कॉटन से कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, अब इन्होंने एक एक्विजिशन की कल घोषणा की है, और वो एक्विजिशन बढ़िया है, छोटा है, बड़ा नहीं, 75 करोड़ के आसपास का है, लेकिन क्वालिटी वाइज बढ़िया है, क्योंकि ये कंपनी है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंजन बनाने की स्पेस में उतर चुकी है, उस पर काम भी चल रहा है, और उसी लिहाज से ये एक्विजिशन किया है, और उस लिहाज से ये एक्विजिशन बड़े काम का है। लेकिन चूंकि एक्विजिशन छोटा है तो मैं बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करता, लेकिन एक एक्शन होना चाहिए, ये स्टॉक क्वालिटी वाइज बढ़िया है, फंडामेंटल अच्छे हैं। 46 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है आपको, 52
और 55 रुपए, ये दो टारगेट ग्रीव्स कॉटन के लिए बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही है फार्म इक्विपमेंट बनाने के कारोबार में। ऑलरेडी पिछले वित्त वर्ष में ये उतरी थी जहां पर उन्होंने पावर टिलर्स बनाए थे। और आज के लिए खरीदारी का व्यू है 46 का, आपको रखना है स्टॉप लॉस। 52 रुपए का पहला लक्ष्य, 55 रुपए का दूसरा टारगेट। तो दो स्टॉक्स तो हो गए, तीसरा बताइए। तीसरा है रिलायंस इंफ्रा। एक्चुअली कल जो अनिल अंबानी ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो इन्होंने ऐलान किया 18,800 करोड़ में अपना कारोबार अदानी ट्रांसमिशन को जो बेच रहे हैं पावर कारोबार, उसका फाइनली ऐलान हो गया। जो हम 10 दिन पहले ये एक्सक्लूसिव स्टोरी कर चुके थे, ये होने वाला है। खाली 7 दिन डिले हुआ जो हम सोच रहे थे उससे, बाकी होना ही था, लगभग तय था। हमने 18,000 करोड़ बोला, 18,800 करोड़ में डील हुई है। और उस समय हम लगातार कह रहे थे खरीदना चाहिए, तब स्टॉक 400 के नीचे था, तो स्टॉक चल चुका है वहां से अच्छा खासा 10% के आसपास की। और अब मुझे लगता है इस खबर के बाद ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फिर भी देखिए, अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों का ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन सेलो न्यूज तो बनता है। जो लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर रिस्क लेना जानते हैं वही शॉर्ट करें, अदरवाइज जिन लोगों के पास तेजी की पोजिशन है वो प्रॉफिट बुकिंग करें। और वो रेंज क्या है, 450 से 460 परफेक्ट रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। 450, 455, 460 जहां आपको ठीक लगे प्रॉफिट बुकिंग। देखिए, अब इस स्टॉक में फ्रेश और बड़ी तेजी कब बनेगी वो बता दूं। अगर ये 460 के ऊपर निकलकर टिका रुका तो ही इसे खरीदना है, अदरवाइज इसे अभी अब नहीं खरीदना, अब इसको हर उछाल में बेचना है। हो गया, देखिए ये ऐसे स्टॉक्स हैं भाई, ठीक है। अब आज सबके रिपोर्ट्स आएंगे, सब लोग चर्चा करेंगे, इतना डेट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, इन सबके बावजूद इसे खरीदेंगे ट्रेडर्स ही। कोई फंड मैनेजर आकर रिलायंस इंफ्रा नहीं खरीदने वाला है, ये निश्चिंत रहे। तो ऐसी सिचुएशन में बेचना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, रिस्की स्टॉक है, आप अपना कॉल खुद लें। मेरा एनालिसिस ये है, सेलो न्यूज हो सकता है। हाँ, अगर 460 के ऊपर टिक जाए तो फिर तेजी नहीं भी बन सकती है। आप अपना स्टॉप लॉस अगर बेच रहे हैं और आपको लगता है नहीं मुझे लंबे टाइम के लिए रखना है, 460 पार करें फिर से ले लीजिए। शॉर्ट कर रहे हैं तो 460 के ऊपर स्टॉप लॉस ले लीजिए, नीचे में एक बार फिर से वापस है ना 20-30 रुपए सरक जाए तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज और आपने ध्यान दी, जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश मिश्रा ने उनसे कुछ तीखे सवाल पूछ लिए तो अनिल अंबानी काफी झुंझला गए। वो जाने जाते हैं, और ऐसा नहीं कि ये मैंने उन्हें पहली बार, पहले भी पुराने अनुभव रहे जब मैं जी बिजनेस में नहीं हुआ करता था, तब भी कुछ सवालों के जवाब उन्हें तीखे सवाल सुनने की आदत। रिपोर्टर्स का तो काम ही है सवाल पूछना और तीखे सवाल पूछना, उस पर ऐसे झुंझलाहट मतलब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर उनसे पूछा या फिर रिलायंस नेवल के कारोबार से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था। इनफैक्ट दिखा देते हैं व्यूअर्स को क्या कहा उन्होंने। और दूसरा सवाल ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का बकाया है वो कौन पे करेगा, आप लेकर नहीं आ जाएंगे? जो आई एम फ्रॉम जी बिजनेस, बट आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इन हिंदी बिकॉज़ आई नो यू आर लुकिंग फॉर हिंदी आंसर। नंबर वन, व्हेन द ट्रांजैक्शन इज क्लोज्ड ऑल द ड्यूटीज हैव बीन पेड एज ऑफ टुडे टू एमएसएमईसी, सो दैट डजंट रियली अराइज। एज फार एज रिलायंस नेवल इज कंसर्न, आई थिंक वी एक्सप्लेन इन आवर स्टेटमेंट that as per the Companies Act, we are not allowed to be in more than 10 companies, and I have chosen where I want to be, and I'm not going to be decided by Zee Business to decide what I should do. तो काफी झुंझलाहट देखी। तो एक बात तो सही कह रहे हैं अनिल अंबानी कि जी बिजनेस तय नहीं करेगा कि उन्हें किस कंपनी के बोर्ड पर रहना है। बिल्कुल सही है उनका जवाब, एकदम सही है। हमने खाली पूछा है, वो ये भी बोल सकता था कि भाई कि इतनी कंपनी में से मुझे ये ठीक लगी कि मुझे रिलायंस लेवल में नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो मेरी ग्रुप कंपनी है और वो ज्यादा आसानी से मैनेज हो सके। इसका आसान जवाब ये हो सकता है, शायद अनिल अंबानी की जगह अनिल सिंह भी होता तो ये जवाब देता, लेकिन अनिल सिंह भी है, अनिल अंबानी नहीं। जो जवाब गलत है मैं उस पर आना चाहता हूँ। गलत ये नहीं है कि उन्होंने क्यों रिलायंस, ठीक है वो उनकी मर्जी है बिल्कुल, और वही तय करें। हिंदी बोलने में शर्म है, वो भी हिंदुस्तान में, ये बहुत गलत बात है। और बोल के कि मैं आपको हिंदी में जवाब नहीं दूंगा, ये चीज गलत है, ये चीज गलत। अगर हिंदुस्तान में रहकर आपको हिंदी बोलने में शर्म आती है तो फिर आप ही जाने आप देश के बारे में क्या सोचते हैं, मातृभाषा के बारे में क्या सोचते। अच्छा, एक चीज और बता दूं, हिंदी बिजनेस की भाषा का कोई सवाल नहीं है। ये तब की बात है जब आप सिंपल चीज है, आप अपने घर में हिंदी में बात करते होंगे, अपने ड्राइवर से हिंदी में बात करते होंगे, अपने स्टाफ से भी हिंदी में बात करते होंगे,
अपने साथ वाले लोगों से हिंदी में बात करते हैं, लेकिन जब मीडिया से बात करने की बात आएगी या आपसे कोई अनकंफर्टेबल सवाल पूछा जाएगा तो नहीं हिंदी में नहीं बोलेंगे। और मजे की बात एक और बता दूं, खुद उत्तर प्रदेश जो पूरा हिंदी भाषी राज्य रहा है वहां से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। ये सोचना चाहिए अनिल अंबानी को। हमारी तो रिक्वेस्ट है कि हिंदुस्तान में तो हिंदी, बाकी तो उनकी मर्जी, उन्हें क्या करना है, जैसा उन्होंने कहा मैं डिसाइड करूंगा, आप डिसाइड करेंगे आपको इंग्लिश बोलनी हिंदी बोलनी। जी बिजनेस पर डिसाइड किया भी नहीं, उनसे तो सिर्फ सवाल पूछा। मजे की बात बताऊं आपको, नारायण मूर्ति साहब, वाई वी रेड्डी साहब, सुब्बा राव साहब, रघुराम राजन साहब, सारे लोग जो लोग साउथ इंडियन है, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं और वो हिंदी बोलते हैं, कोशिश करते हैं, मुश्किल होती है उन्हें, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं हाँ हम हिंदी बोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जिन लोगों को हिंदी आती है उन्हें बोलने में, हिंदी बोलने में शर्म आती है। तो फिर थोड़ा अंदर जांच कर देख लेने की जरूरत है। बिल्कुल रजत बताएंगे हमें खबरों वाले शेयर, और खबरों वाले शेयर हैं ढेर सारे, तो रजत के साथ साथ पूजा को भी करनी होगी मदद, लेकिन डिम्पी तैयार हैं दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स लेकर, एक्सपर्ट तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। स्टूडियो में आप पूछे हैं राकेश बंसल साहब, और मुंबई से हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं विकास सेठी साहब और साथ ही आशीष चतुर्मुताजी भी। आप सबका स्वागत है, शुरुआत रजत आप कीजिए। अनिल जी, बहुत छोटी कंपनियों के जो नतीजे हैं बहुत सारे आए हैं, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल शुरुआत करूंगा मैं, 72 करोड़ का मुनाफा, इसके मुकाबले 56 करोड़ का मुनाफा, यानी कि मुनाफे की फिगर घटी है, तो ये नेगेटिव रिजल्ट समझे जा सकते हैं। आय जरूर बढ़ गई, 299 करोड़ से बढ़कर 314 करोड़ है, लेकिन मुनाफा 72 करोड़ से घटकर 56 करोड़। एटलेस साइकिल्स, अब इसमें कई स्टॉक जो है वो टी2टी कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट जो है वो मैं आपको बता दूं, एटलेस साइकिल्स में 2.5 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 1.8 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट कर दिया है, तो कमजोर नतीजे हैं। आय में भी 180 करोड़ से घटकर 143 करोड़, तो आय भी कमजोर है, और एबिटा तो देखें तो आप 5 करोड़ से घटकर सीधा 12 लाख है, तो हर पैरामीटर पे नतीजे कमजोर हैं एटलस साइकिल्स के। अनंत राज, ये कल तेजी में था स्टॉक, लेकिन मुनाफे की फिगर घट के आई है, 11 करोड़ से घटकर 4 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है, और आय भी घटी है, 102 करोड़ से घटकर 96 करोड़ की आय अनंत राज ने पोस्ट की है। यूनिटेक देखें तो यहां पर घाटा जो है वो 16.5 करोड़ से बढ़कर 73 करोड़ हो गया है, और आय 196 करोड़ से घटकर 76 करोड़ हो गई है। इनके एबिटा घाटा थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन जो मुनाफा, जो मेन घाटा है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, और 73 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट कर दिया यूनिटेक ने। इलेक्ट्रो स्टील्स एक और टी2टी कैटेगरी का स्टॉक है, यहां पर दिक्कत ये होगी, इनको एक एक्सेप्शनल लॉस हो गया 5,335 करोड़ का, इसके चलते कुल मिलाकर अगर घाटा देखें तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, 5,272 करोड़ का घाटा इलेक्ट्रो स्टील्स ने पोस्ट किया है, जो कि 293 करोड़ से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो घाटे की फिगर पोस्ट की गई है। एमटेक ऑटो, यहां पर 80 करोड़ के घाटे के मुकाबले 242 करोड़ के घाटे के मुकाबले 80 करोड़ का घाटा, यानी कि घाटे में कमी देखने को मिली है एमटेक ऑटो में, लेकिन आय में भी कमी है, 457 करोड़ की आय के मुकाबले 314 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है। और एबिटा देखिए तो वहां पर परफॉर्मेंस बेहद कमजोर है, 90 करोड़ का एबिटा मुनाफा था, उसके मुकाबले 3.8 करोड़ का एबिटा मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया, मार्जिन बिल्कुल खत्म हो गए, लगभग 2% के आसपास मार्जिन रह गए इस कंपनी के, तो कमजोर नतीजे एमटेक ऑटो के। अब खबरों में है ग्रीव्स कॉटन, इसके बारे में आप बात कर रहे थे, उसमें एम्पियर व्हीकल्स का 67% हिस्सा खरीदने जा रही है, 77 करोड़ में ही हो रही है, और वैसे भी ई व्हीकल कारोबार को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने पर कंपनी का फोकस है, तो बहुत पॉजिटिव खबर समझी जा सकती है। इसके अलावा आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ और टाटा केमिकल्स फोकस में, क्योंकि टाटा केमिकल्स में हिस्सेदारी घटा दी गई है, प्रूडेंशियल की ओर से 5% की हिस्सेदारी थी उसको घटाकर 2.97% पे ले आए हैं, यानी कि 52 लाख शेयर्स बेचे गए हैं 216 करोड़ रुपए में, और आखिर में फिर से एएसएम सूची को रिवाइज कर दिया गया है, और इस बार जो नाम निकल के आए हैं वो है एक्सेल लिमिटेड, अदानी ट्रांसमिशन और साथ ही साथ फाइजर, ये तीनों के तीनों स्टॉक्स जो है वो एएसएम सूची में शामिल हो गए। तो ये खबरों वाले शेयर्स हैं। पूजा के पास भी हैं कुछ स्टॉक्स, पूजा आप बताइए आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं? जी, जेट एयरवेज से शुरू करते हैं, 28 नए घरेलू रूट पर कंपनी उड़ानें शुरू करेगी, और ये सितंबर से चालू की जाएगी नई उड़ानें जेट एयरवेज की तरफ से, तो इस अनाउंसमेंट के चलते जेट एयरवेज पर नजर रखिए। रिलायंस नेवल और आईडीबीआई बैंक ये भी फोकस में रहेंगे आज। खबर आ रही है कि आईडीबीआई बैंक कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू कर सकती है, बैंकों का करीब 9,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है तमाम बैंकों पर, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपोजर आईडीबीआई बैंक पर है, तो इन दोनों शेयरों पर आज नजर
रखनी होगी इस खबर के चलते। बीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें कि भारत 22 इंडेक्स में एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने की कंपनी ने घोषणा की है और ये जो बदलाव है 3 सितंबर से लागू होंगे। तो तमाम कंपनी जितनी भी है, पीएफसी, आरएसी, कल हमने देखा था, इन दो शेयरों में अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी, तो इन तमाम कंपनीज पर नजर रखिए। कुछ फंड एक्शन भी देखने को मिले हैं। कैमलिन फाइन साइंसेज में मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बिकवाली हुई है, करीब 8 लाख शेयर्स बेचे हैं और ये जो हिस्सेदारी बैठती है करीब 0.66% की हिस्सेदारी बैठती है, तो इस पर नजर रखिए। इसके अलावा प्रमोटर्स की तरफ से भी कुछ खरीदारी और बिकवाली हुई है जिसमें कि वेल्समैन एंटरप्राइजेस से शुरुआत करते हैं। प्रमोटर ने 25 लाख शेयर्स का अधिग्रहण किया है और ये खरीदारी 27 से 28 अगस्त के बीच देखने को मिली है। मेघमनी ऑर्गेनिक्स, यहां पर क्वांटिटी थोड़ी छोटी है, प्रमोटर ने 43,300 शेयर्स खरीदे हैं और 27 अगस्त को ये खरीदारी हुई है, तो इस पर नजर रखिए। इसके अलावा एजिस लॉजिस्टिक्स, प्रमोटर ने 30,000 शेयर्स की खरीदारी की है और ये भी जो खरीदारी है 27 अगस्त को देखने को मिली है। एक बिकवाली हुई है, निर्लॉन कंपनी छोटी है, क्वांटिटी भी छोटी है, प्रमोटर ने 12,500 शेयर्स कंपनी के बेचे हैं, लेकिन लगातार प्रमोटर की तरफ से बिकवाली हुई है और 4 से 24 अगस्त के बीच का ये आंकड़ा है, तो इस पर नजर रखिए। श्रीकलास्ती, लगातार प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है, कल भी जो आंकड़े आए थे उसमें 10,000 शेयर्स खरीदने की बात हुई थी, प्रमोटर्स ने यहां 15,000 शेयर्स और खरीद लिए हैं, खरीदारी 27 से 28 अगस्त के बीच देखने को मिली है। और ट्राइडेंट में, ट्राइडेंट ग्रुप ने, कंपनी का जो प्रमोटर है, 18 लाख शेयर्स का अधिग्रहण हुआ है ट्राइडेंट ग्रुप की तरफ से और 28 अगस्त को ये खरीदारी हुई है। इसके अलावा एफएनओ में भी कुछ कंपनी है जो कि बैन से बाहर हुई है, जैन इरिगेशन बैन से बाहर हो चुकी है और बैन में जो शामिल हुए हैं उसमें दीवान हाउसिंग, आईडीबीआई बैंक और पीएनबी, इन कंपनियों के नाम शामिल है। तीनों ऑलरेडी बैन में है, आईडीबीआई और पीएनबी बैन में है, बैन में बनी हुए, बाहर एक निकली है और अंदर एक भी शेयर नहीं आया। ये है वो तमाम स्टॉक्स। आइए फटाफट एक बार नजर डाल दें ब्रोकरेज रिपोर्ट पर और उसके बाद करें बात हमारे एक्सपर्ट से। डिम्पी बताइए क्या रिपोर्ट है? पहली रिपोर्ट जो है वो एक्सिस बैंक को लेकर है, यूबीएस की रिपोर्ट है। इन्होंने कहा है कि हम 765 कर रहे हैं टारगेट, ये पहले 675 था। इनका कहना है कि इनका जो डिपॉजिट्स वाला शेयर है मार्केट का वो हिस्सा काफी तेजी से बढ़ेगा, इसका बैंक को बेनिफिट होने वाला है, इसलिए 765 का टारगेट है, 675 से बढ़ाया गया, बाय है। इसके अलावा वेदांता पे गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा इसको कवरेज के साथ वो शुरू कर रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं 280 का, उनको ऐसा लगता है कम से कम 20-22% की गुंजाइश अभी और है शेयर में चलने की। जो वॉल्यूम ग्रोथ है खास जिंक और तेल वाले सेगमेंट में वो इनको ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, इसलिए 280 का टारगेट के साथ एक कवरेज के साथ शुरू कर रहे हैं। आईटीसी पे बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की एक रिपोर्ट है, बाय रेटिंग है इनकी, लक्ष्य 360 किया है। इनका मानना है जो इनका सिगरेट कारोबार है उसमें 4% की ग्रोथ हो रहेगी और कुल मिलाकर शेयर इससे 15% अभी और चल सकता है। एक पीएनबी हाउसिंग पे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ये ध्यान दीजिएगा अंडरवेट रेटिंग की रिपोर्ट है, शेयर अभी 1300 के ऊपर है लेकिन इस पे 1050 का टारगेट है, 1050 का, तो बेचने के लिए है ये। इनका कहना है कि लोन बुक का रिस्क थोड़ा कम तो हुआ बट रियल एस्टेट के मद्देनजर अभी भी निगरानी बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी, 25% तक की गिरावट भी आ सकती है अगर रियल एस्टेट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो। पीडी लाइट पे सीएलएससी की रिपोर्ट है, इन्होंने कहा है कि इसको बेचे, 920 का टारगेट है, कोई नए प्रोडक्ट लेके आते हैं तो ठीक, नहीं तो इस प्रोडक्ट के साथ काम नहीं चलेगा और मार्जिन्स में भी गिरावट है ये आ सकती है, इसलिए इन्होंने इसको बेचने की राय दी है, 920 का टारगेट है। इसके अलावा कंटेनर कॉरपोरेशन पे गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि इसमें खरीदारी की हमारी राय है, 700 का लक्ष्य है, अगले 2 साल कंटेनर कॉरपोरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टारगेट को जो 2020 का इन्होंने बनाया 2020 का उसको अचीव कर लेती है तो बड़ा हिस्सा मार्केट रेल सेगमेंट से इनको मिल जाएगा। इसके अलावा आप एक मैक्वारी की एक रिपोर्ट आई है, सिटी की माफ कीजिए, मेरिको पे, उन्होंने टारगेट दिया 370 से 430 का, बाय रेटिंग है, उनका कहना है कि रिकवरी प्राइस में, मार्केट शेयर में और स्टेबिलिटी इनके दामों में देखने को मिलेगी, इसका फायदा इसको जरूर मिलेगा। और एक आखिरी रिपोर्ट क्रेडिट स्विस की है, जीएस के कंज्यूमर्स पे दी गई है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग बरकरार है, 8600 का टारगेट है, उनका कहना है कि पेरेंट कंपनी द्वारा कुछ हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सकता है, इसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। ओके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं, खासतौर से मिड कैप्स पर, इन पर नजर रखनी होगी, पीएनबी हाउसिंग, पीडी लाइट, मैरिको, जीएसके कंज्यूमर, कॉनकोर, इन रिपोर्ट्स पर करेंगे बातचीत थोड़ी देर में कार्यक्रम में आगे। लेकिन शामिल करते हैं एक्सपर्ट्स को, विकास सेठी हमारे साथ हैं, आशीष चतुर्मुखा जी, बंसल जी और कुणाल जी सब हमारे साथ हैं, स्वागत है आप सबका, गुड मॉर्निंग। विकास जी, सबसे पहले आप बताइए अपनी टॉप पिक्स आज की। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए बाजार में हम एक लगातार तेजी का माहौल देख रहे हैं, कल जो बाजार में गिरावट हुई थी वो भी सिर्फ एक
निफ्टी के कुछ हैवी वेट्स में करेक्शन के कारण और रुपए में जो गिरावट हुई थी उसके कारण से हमने बाजार में एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी, बट ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट्स था वो काफी तेज था, मिड कैप्स में एक अच्छी तेजी हुई है, मुझे लगता है बाजार में वो तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो मेरी आज भी 5 स्टॉक खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जिसमें ज्यादातर मतलब 4 स्टॉक्स तो मिड कैप सेगमेंट से ही है, हालांकि सब एफएनओ में ट्रेड होते हैं। पहला स्टॉक रहेगा यूपीएल का। कल हमने जो फैग एंड में एक अच्छी खासी खरीदारी इस स्टॉक में देखी और हाल ही में जो सरकार ने एक फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए एक नया एक जो पास किया रेगुलेशन की उनको जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत वीकली इनको पैसे दिए जाएंगे, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है और उसके कारण से जितने फर्टिलाइजर शेयर्स हैं उनमें एक अच्छी तेजी देखी गई और मुझे लगता है कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो यूपीएल में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक रहेगा दिग्गज और एक बेहतरीन एनबीएफसी बजाज फाइनेंस। कल इस स्टॉक में अच्छी तेजी बनी है, मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल आज भी तेजी रहनी चाहिए, इसमें खरीदारी करें। तीसरा स्टॉक है जो एक लार्ज कैप के स्पेस से मैंने पिक किया है आईटीसी को। आईटीसी में भी कल एक कुछ दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक रिकवरी देखी जा रही है और जिस तरह की खबरें आ रही है कि ई सिगरेट पे सरकार ने एक बैन लगाया है जो कि एक डिसरप्शन हो सकता था आईटीसी के लिए, हालांकि आईटीसी भी उस सेगमेंट में फोरे कर रही थी, बट अब मुझे लगता है वो होने की वजह से आईटीसी में एक जो सिगरेट कारोबार में जो थोड़ा एक तलवार लटक रही थी वहां पे बिल्कुल एक दिक्कत खत्म रहेगी, तो उस लिहाज से आईटीसी में आज तेजी दिखनी चाहिए, तो आईटीसी में खरीदारी करें। चौथा स्टॉक एक कोइंसिडेंटली एक मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है पीवीआर, और ऐसा कोइंसिडेंस है कि जब जब मैं आपके चैनल पे सुबह के शो में आता हूं जिस जिस दिन मेरा टर्न रहता है उस दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबरें इस स्टॉक में आ जाती है और ये स्टॉक मेरे लिए इंट्राडे के लिए भी खरीदारी करने की सलाह में आ जाता है। आज भी इस स्टॉक पे खबरें हैं कि ये दिल्ली बेस्ड जो वेव सिनेमाज है नॉर्थ इंडिया में जिनके कई मल्टीप्लेक्सेस है कई स्क्रीन्स है वहां पे खरीदारी के लिए सबसे आगे है और हाल ही में इन्होंने साउथ में भी एक कंपनी का अधिग्रहण किया है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज है, एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स है और जो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो बाहर के खाने को ले जाने को लेके जो कुछ खबरें आनी है वहां से भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट की उम्मीदें हैं, तो इस स्टॉक पे मैं पोजिशनली तो बुलिश हूं, आज के लिए भी खरीदारी करने की सलाह है। और पांचवा स्टॉक है आईटी स्टॉक, मिड कैप आईटी स्टॉक है हेक्सावेयर। इस स्टॉक में भी एक बहुत अच्छी गिरावट आ चुकी है, हाल ही में ब्लॉक डील हुई थी 447.5 के लेवल पे, उसके बाद चूंकि प्रोमोटर्स को अभी और हिस्सेदारी बेचनी है आने वाले दिनों में तो उस लिहाज से ये 415 तक के लेवल्स दिखाया था, बट कल एक अच्छी खासी रिकवरी हुई है और जिस तरह से रुपए में गिरावट आई है मुझे लगता है मिड कैप आईटी स्टॉक्स में और फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स में भी आज तेजी बननी चाहिए, हेक्सावेयर वुड बी ए गुड बेट टू राइड ऑन, मुझे लगता है इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए और आज चूंकि एक्सपायरी है मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है इसमें। जी तो ये है दमदार कॉल्स मिस्टर सेठी की ओर से। आशीष चतुर्मोता भी हमारे साथ हैं, आशीष गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपके ट्रेडिंग पिक्स। गुड मॉर्निंग दीपाली, देखिए सबसे पहला कॉल मेरा है वोल्टास के अंदर जो कि पिछले 3 हफ्तों से कंसोलिडेट हो रहा है और हमने इसमें अच्छा खासा रोलओवर्स नेक्स्ट सीरीज में होते हुए देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि 618 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। पहला टारगेट मेरा 655 के लेवल्स का होगा, बट मैं समझता हूँ जिस तरह का ये ब्रेकआउट है उसमें इवेंचुअली पोजिशनली इस स्टॉक में दमखम है, ये अपने पुराने ऑल टाइम हाइस को क्रॉस करेगा जो कि 680 के आसपास है, तो शॉर्ट टर्म टारगेट 655 का देख सकते हो और थोड़ा अगर से 2 से 3 हफ्तों का व्यू है तो 680 के ऊपर भी वोल्टास आते हुए हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक मेरा प्राइवेट सेक्टर बैंक में होगा और इसको हमने पहले भी काफी अग्रेसिवली रिकमेंड किया था, वो है एक्सिस बैंक का, जहां एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें देखने को नजर आ रहा है और हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट का एडिशन एटलीस्ट लास्ट 2 हफ्तों के अंदर हमें स्टॉक में देखने को मिला है और नई सीरीज के अंदर में सेप्टेम्बर के अंदर भी अच्छे खासे रोलओवर्स एक्सिस बैंक में देखने को मिल रहे हैं, तो इन सभी इंडिकेशंस को देखते हुए मुझे लगता है कि एक पोजिशनल ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेड दोनों ही लिहाज से एक्सिस बैंक काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। 642 का एक स्टॉप लॉस होगा, 685 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स मुझे लगता है एक्सिस बैंक में देखने को मिलेंगे और इवेंचुअली 720-730 तक की अपसाइड भी एक्सिस बैंक में आने वाले कुछ समय में हमें देखने को मिल सकती है। तीसरी पिक मेरी होगी मिड कैप आईटी के अंदर में और वो स्टॉक है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। अगेन इसके अंदर में काफी दिनों से एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है और ये कंटिन्यूअसली अपने पुराने ऑल टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छा बेस इस स्टॉक ने 288 के आसपास बनाया है, तो मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड मिड कैप आईटी में वापस से एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज उसमें एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। 290 का पहला एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है रखना चाहिए और ऊपर में 305 तक के टारगेट्स केपीआईटी में शॉर्ट टर्म हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो केपीआईटी टेक, वोल्टास और एक्सिस बैंक यहां पर खरीदारी की कॉल है। एक्सिस बैंक पर तो आज इनफैक्ट एक यूबीएस की रिपोर्ट भी आई है जिन्होंने
₹100 लक्ष्य बढ़ाया है, 675 से बढ़ाकर अब 765 किया है। तो एक्सिस बैंक तो रहेगा फोकस में। राकेश बंसल और कुणाल सरावगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुणाल जी, पहले आप बताइए आपके कौन से तीन शेयर्स दीपाली, जिसमें एक खरीद किराए और दो बिकवाली किराए हैं। सबसे पहले पीवीआर, जिसकी बात अभी विकास जी कर रहे थे, मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। पीवीआर की बात हमने कल भी और परसों भी चैनल पर की थी। मुझे लगता है 1385 के लक्ष्य से पीवीआर बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 1340 पर रखें, बाय करने की राय है। पीवीआर हो गए पहला खरीद किराए। बिकवाली की राय है आइडिया सेलुलर में, जिसमें मुझे लगता है कि एक ब्रेकडाउन आते हुए चार्ट्स पर नजर आया। एक मेजर सपोर्ट था जो कि 49 रुपीज के आसपास था, उसको ब्रीच करता हुआ काउंटर नजर आया। मुझे लगता है ₹50.50 पर एक स्टॉप लॉस रखें। ₹48.75 के लक्ष्य से आइडिया सेलुलर शॉर्ट करना चाहिए। और दूसरे शॉर्ट की राय है टीवी 18 पर। इसमें भी एक ब्रेकडाउन आते हुए चार्ट पर मुझे नजर आया, एक स्ट्रक्चर भी थोड़ा कमजोर हुआ है। टीवी 18 बेचें, स्टॉप लॉस रखें 48 पर, लक्ष्य होगा 45। बेचना है? बेचें पक्का? दूसरा दे देते सर बेचने के लिए, कोई दूसरा दे देते बेचने के लिए। यानी जी सबसे बेहतरीन लग रहा था मुझे बेचने के लिए। ठीक है, लोग कहेंगे फालतू में आप टीवी 18 बिकवा रहे। चलिए कोई बात नहीं, आपको लग रहा है तो अच्छी बात है। राकेश जी, आप तो सब खरीदेंगे ना? नहीं अनिल जी, एक बेचूं। बेचना भी है, पहले बताइए अनिल जी। बिकवाली की राय पहले ले लेते हैं। बिकवाली की राय, एकमात्र बिकवाली की राय है एमसीएक्स पर। ओके, और अनिल जी यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर भी डिस्टॉर्टेड है। दूसरी तरफ आप देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर है बीएससी, वो भी कंटिन्यूअसली गिर रहा है। तो एमसीएक्स बेचना है ना? बेचना है भाई, बेच दीजिए। आजकल क्या आप बेचते नहीं है, तो हमारे आदत ही ऐसी पड़ी है। मैंने देखा, मैंने तो ठीक बेचा सर। आप तो ठीक ही बेचे, आप थोड़ी गलत। टाइपिंग एरर तो हमारे एंड पे भी हो जाता है। एमसीएक्स बेचना है, 840 का स्टॉप लॉस, 795 का टारगेट। खरीदारी की राय है अरविंदो फार्मा पर, यहां पर खरीदना चाहिए। 679 का स्टॉप लॉस, 705 का टारगेट। आशीष जी ने वोल्टास दिया है तो मेरा वी गार्ड, ₹216.80 का स्टॉप लॉस, ₹233 का लक्ष्य। वी गार्ड को खरीद के चले। ओके, वी गार्ड में करें खरीदारी, यह राय आपके लिए। और अरविंदो फार्मा में करें खरीदारी, राय खरीदारी की M6 में बिक वाली। आइए अब स्टॉक्स पर करते हैं फोकस और करते हैं बात हमारे सारे एक्सपर्ट से। सबसे पहले ग्रीव्स कॉटन, इस पर राय दें आप अपनी विकास जी। 77 करोड़ का एक एक्विजिशन किया है इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में। क्या स्टॉक पसंद है आपको, खरीदना चाहिए? बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही अच्छा स्टॉक है और मैंने कई बार आपके कई शोज में जब लॉन्ग टर्म पिक्स देने होते हैं इस स्टॉक को रिकमेंड किया हुआ है। ये 145-47 के लेवल पे चलता है। फंडामेंटली एक बहुत अच्छी कंपनी है, हालांकि नाम ऐसे लगता है जैसे कोई टेक्सटाइल कंपनी होगी ग्रीव्स कॉटन, बट ये इंजिन बनाने का काम करती है। और ये जो अधिग्रहण किया है इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, एक डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और जिस कंपनी में इन्होंने अभी निवेश किया है उसमें शायद रतन टाटा जी ने भी निवेश किया हुआ है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छा स्टेप है, काफी अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी रहेगी और बहुत ही सॉलिड कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से बिल्कुल निवेश करना चाहिए इस स्टॉक में। तो ग्रीव्स कॉटन है बेहतरीन कंपनी, फोकस में रखिए स्टॉक को। और आज का स्टॉक ऑफ द डे भी है, मजबूत हो सकता है आज के सत्र में। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव, चार एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और खबरों वाले स्टॉक्स ढेर सारे हैं, उन पर लेते हैं अब राय। आशीष, आप बताइए टाटा केमिकल्स, खबर तो अच्छी नहीं है। आईसीसी प्रूडेंशियल ने लगभग 72 लाख शेयर इसके बेच दिए हैं और जो टोटल होल्डिंग है वो 5% से घटकर अब 3% के आसपास रह गई है। ऐसे में आज क्या रणनीति रखें टाटा केमिकल्स पर? दीपाली देखिए, डेटा को देख के तो कहीं बड़ी वीकनेस नजर नहीं आ रही। इनफैक्ट जो चार्ट्स हैं या जो डेटा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फर्टिलाइजर जो स्पेस है उसमें एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी। डेफिनेटली आईसीआईसीआई प्रू ने जो अपना स्टेक घटाया है 5.5% से उसको 3% के नीचे लाया है, वो शॉर्ट टर्म में शायद कोई इम्पैक्ट क्रिएट करे। बट मैं समझता हूँ अगर से कोई भी डिप आती है इस न्यूज़ की वजह से तो 740 के लेवल्स बहुत एक स्ट्रांग सपोर्ट है। और 740 के लेवल्स अगर से ब्रेक नहीं होते तो टाटा केमिकल्स में नीचे के लेवल पे बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। मुझे लगता है इवेंचुअली ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को जो कि 700-800 रुपए के आसपास है उसको क्रॉस करने की तैयारी करेगा। और इसके कुछ फंडामेंटल रीजन भी, क्योंकि ये अब कहीं ना कहीं जाके हाई मार्जिन जो इनके बिजनेसेस है उसके अंदर फोकस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक रीरेटिंग का कैंडिडेट टाटा केमिकल्स आने वाले समय में होते हुए देखने को मिल सकता है। तो आशीष का व्यू पॉजिटिव है टाटा केमिकल्स। मिस्टर सेठी, ये पिडिलाइट पर आपकी राय क्या है? कल इनकी एनालिस्ट मीट हुई और कमेंट्री तो मैनेजमेंट की ठीक थी, उसमें उन्होंने कहा है कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ मेंटेन रखेंगे, मार्जिन से ज्यादा फोकस करेंगे वॉल्यूम्स पर।
लेकिन आज दो रिपोर्ट्स आई, एक तो क्रेडिट स्विस की जिन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है 1050 के लक्ष्य रखे, और सीएलएसए ने तो कह दिया कि आप बेच दीजिए स्टॉक को, और उनके टारगेट्स नीचे की तरफ के हैं, 920 के आसपास के हैं। अब जब एफएमसीजी स्टॉक्स में बाइंग हो रही थी तो बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने इसको 1150 पर भी खरीद कर रखा हुआ है, क्या सलाह है उनके लिए? देखिए दीपाली, एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म निवेशकों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। जिस तरह का परफॉर्मेंस इस कंपनी का आया है और आने वाले सालों में भी जिस तरह की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, पिडिलाइट इज अ वेरी गुड स्टॉक, बहुत ही स्ट्रांग ब्रांड्स है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, अच्छी रीच है, इन सबको देखते हुए और जो परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है पिडिलाइट एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक जिसको खरीद के भूलना चाहिए। लेकिन एक स्टॉक है जिसको बंसल जी बेच के भूल गए, मैरी को। सिटी वाले तो बोल रहे हैं अभी भी खरीदिए, 370 से टारगेट बढ़ाकर उन्होंने 430 कर दिया है। बंसल जी आपने तो बेच दिया, बाकी लोग क्या करें? देखिए अनिल जी, होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट ये स्टॉक मैंने अपने क्लाइंट्स को नहीं, और खरीदना चाहिए क्या? नहीं अनिल जी, नई खरीदारी की राय नहीं है मेरे यहाँ पर। अच्छा, नहीं तो अनिल जी, नई खरीदारी तो पैटर्न पे ही होती है। इनफैक्ट अपने क्लाइंट्स को भी 320-22 पे रिकमेंड किया था, उनको कभी निकलने की राय नहीं दी है। मैं तो अनिल जी सिर्फ इसलिए निकला कि एक लाइफ में एक थ्रिल चाहिए होता है। अब जो आदमी अनिल जी लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स का आदि ना हो तो वो थ्रिल तो स्टॉक मार्केट से ही लेगा ना। एक मिनट क्या बात है, क्या सेंटेंस का है आपने, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स का आदि ना हो। अच्छा, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं अनिल जी? लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में तो ये यूबीएल यूपीएल के प्रोडक्ट्स आते हैं। अच्छा, जरा एक फंडामेंटल राय ले लो इस पे, क्योंकि आपने बात फंडामेंटल कह दी। विकास जी, जो ये कह रहे हैं राकेश जी, सही है क्या? जो आदमी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स का आदि ना हो उसके लिए थ्रिल स्टॉक मार्केट में ही है? नहीं, ऐसे तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे अब लाइफस्टाइल प्रोडक्ट का तो मैं भी आदी नहीं हूँ, लेकिन थ्रिल के लिहाज से इसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं तो उतना भी नहीं कर सकते। हालांकि जहां तक मैरिको का सवाल है, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे ब्रांड्स है, और मैं ओवरऑल पूरे एफएमसीजी स्पेस पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है डाबर है, मैरिको है, जो इंडियन एफएमसीजीज है वहां पे भी आने वाले सालों में अच्छे पैसे बनेंगे, तो थ्रिल अपनी जगह है। आप ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करिए, बट लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए ये राय है, लेकिन एक और राय दीजिए अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों पर। विकास जी, जो सारे कल डील का ऐलान हुआ अदानी ट्रांसमिशन को 18,800 करोड़ में अपना कारोबार बेच रहे हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मुंबई का, अब इस शेयर में क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, कल ड्यूरिंग द मार्केट मतलब 11-12 बजे के आसपास ही ये बाजार को इंडिकेशन या बाजार को बता दिया गया था कि शाम को 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें इस तरह के ऐलान हो सकते हैं, तो बाजार में ये ऑलरेडी डील मालूम थी कि इस तरह की डील का अनाउंसमेंट होना है, तो उस लिहाज से कल हमने रिलायंस इंफ्रा के स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी, इस न्यूज के बाद हमने 4-5% की तेजी देखी है। हालांकि न्यूज बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, एक बहुत ही काफी बड़े कर्ज से डूबी हुई कंपनियां है या घिरी हुई कंपनी है रिलायंस इंफ्रा, जिसको ये डील होने के बाद कर्ज में काफी एक सब्सटेंशियल कटौती हो जाएगी, और एक साल के बाद वो कह रहे हैं कि डेट फ्री कर देंगे, और बाकी के जो बिजनेसेस है वो ठीक कर रहे हैं, उनमें ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है, तो उन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे वैल्यू तो दिखती है रिलायंस इंफ्रा में। बट एडीएजी स्टॉक्स में आमतौर पर यही देखा गया है कि जैसे आज इस न्यूज पे अगर कोई बढ़त आती है अच्छी खासी, तो मेरी राय में ट्रेडर्स जिन्होंने ट्रेडिंग व्यू से इस स्टॉक में सही समय पे 2-3 दिन पहले अगर लिया है तो वो डेफिनेटली प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए। मुझे लगता है वापस से गिरावट आती है और आएगी, इसमें भी प्रॉफिट्स बुक होंगे, तो उस लिहाज से मुझे लगता है ट्रेडर्स को तो आज उछाल में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बाकी जिन निवेशकों ने लिया हुआ है विद इन द ग्रुप, मुझे लगता है रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, ये दोनों की बैलेंस शीट ठीक ठाक है, और रिलायंस इंफ्रा में इस डेवलपमेंट के बाद मुझे लगता है थोड़े फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट नजर आ रहे हैं। अगर कंपनी नेक्स्ट ईयर तक डेट फ्री होगी तो फिर वैल्यू नजर आती है, तो ये जो एक तेजी के बाद जब गिरावट आती है तो वहां पे कोई लंबी अवधि के निवेशक निवेश करने की सोच सकते हैं। अदानी ट्रांसमिशन, इस पर कुणाल अपना व्यू दीजिए, ये भी जिस डील का भी जिक्र कर रहे थे सेठी जी उससे इन्वॉल्व है, और दूसरी बात यह है कि आज से ये एएसएम लिस्ट में भी शामिल हो गया है, कल अपनी बढ़त इसने गवाई भी थी, क्या करें आज?
दीपाली, एक रेजिस्टेंस है 235 के आसपास और हमने देखा कि कल उसके ऊपर क्लोज दे पाने में विफल रहा। 240-45 का इसने हाई बनाया 245 रुपए का और फिर ये नीचे आ गया, 235 के नीचे बंदी आई। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर आपको कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक बार के लिए मुनाफा समेट लेने में बेहतरी है अगर आपके पास निचले स्तरों की खरीद है 235 के आसपास निकल जाने की राय। तो ये राय है दानी ट्रांसमिशन पर। आशीष, आदित्य बिरला कैपिटल, इस पर एक राय अपनी दीजिए। दो खबरें हैं इस पर। पहली खबर तो ये है कि स्ट्रेस्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, उनको खरीदने के लिए इन्होंने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है कंपनी के साथ जिसमें इनकी 50% हिस्सेदारी है। और दूसरी खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्रेडिट स्विस की ओर से, जिन्होंने इनकी क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है और आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 175 का दिया है टारगेट। आदित्य बिरला कैपिटल 137 पर कल हुआ बंद, यानी इन स्तरों से भी 30-40% का अपसाइड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या व्यू है आपका? देखिए दीपाली, अभी तक के कोई बड़ा एक्शन तो डेफिनेटली इसमें देखने को नहीं मिला, बट एक अच्छी बात यह है कि पिछले 3 महीनों में स्टॉक में एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी आ गई और 130 इस स्टॉक का एक अच्छा और मजबूत बेस बनता हुआ नजर आया है। अब जहां तक के प्राइस एक्शन का सवाल है, मुझे लगता है ये स्टॉक जिस दिन भी 142 के ऊपर निकलेगा तब मुझे लगता है एक अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन हमें देखने को मिलेंगे और तब शायद आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि 160-170 के टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिले। बट मैं समझता हूं 142 के बाद ही बिरला कैपिटल के अंदर में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच में ही इस स्टॉक को रखूंगा। डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को रखे हुए हैं उनके लिए जब तक स्टॉक 132-130 के ऊपर टिका हुआ है, ये अपने आप में पॉजिटिव साइन इस स्टॉक में नजर आ रहा है। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त इन तमाम शेयरों पर।